फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और मैं हूं एसएलवी मोहाली से। आज की जो वीडियो है ये वीडियो है क्रॉसओवर के ऊपर, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉसओवर की सेटिंग्स क्या होती हैं, कैसे आपने उसमें वायरिंग करनी है, कैसे कनेक्शन करना है, किस तरह से उसको सेट करना अपने बेस और टॉप के लिए, या अगर आप थ्री वे फोर वे सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है डीएसपी टर्बो ऑडियो की तरफ से, और इसके बाद क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आइटम है, क्योंकि जो लोग टेक्निकल हैं उनको ये चीज़ अच्छे से समझ आती है, मगर जो लोग नॉन टेक्निकल हैं जिनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके लिए जो है नया प्रोडक्ट आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एनालॉग क्रॉसओवर टर्बो ऑडियो की तरफ से, ये डीएसपी है। इसमें जो है आपको पीसी चाहिए होता है या फिर आपको लैपटॉप चाहिए होता है सेटिंग सारी सेट करने के लिए, या फिर इसके फ्रंट डिस्प्ले से भी सेटिंग्स हो जाती हैं। ये जो है ये बहुत ही इजी क्रॉसओवर है, इसमें सिर्फ एक नॉब्स होती हैं तो उसमें आपके वैल्यूज़ जो है मैंशन होते हैं, आपको जो भी वैल्यूज़ जो भी आपको शेल्फ चाहिए हो, जैसा भी कट चाहिए हो, वो सारी सेटिंग्स इसमें हो जाती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये है एनालॉग क्रॉसओवर टर्बो ऑडियो की तरफ से, मॉडल नंबर है 234 XL। ये जो क्रॉसओवर है ये टू वे थ्री वे फोर वे, आप तीनों मोड्स में इसको यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इसकी सेटिंग्स आपने करनी है अपने बेस और टॉप के लिए, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी अपने साउंड की मिल पाए। तो फाइनली फ्रेंड्स, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। आपको पहले इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या मटेरियल मेंशनड है वो आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स मिल जाते हैं। तो फाइनली बॉक्स के ऊपर बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है, यहाँ पे आपके पास टर्बो ऑडियो का लोगो आ जाता है, यहाँ पे आपके पास मॉडल नंबर आ जाता है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की एक पिक्चर आ जाती है कि इसके अंदर जो है किस तरह का प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर कौन कौन से कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं आप, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और दूसरी साइड पे बॉक्स के यहाँ पे आपको क्रॉसओवर की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों देखने को मिल जाती हैं, यानी कि आप फ्रंट साइड में क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं, बैक साइड में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम इसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या आपको आइटम्स इसमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पैकिंग जो है बहुत ही सिंपल है लेकिन सेफ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड जो है आपको फोम पैकिंग मिल जाती है। यहाँ पर एक पॉली बैग के अंदर आपका क्रॉसओवर रखा हुआ है, यहाँ पर एक आपको पावर कॉर्ड देखने को मिल रही है। पावर कॉर्ड के साथ जो प्लग आ रहा है ये आपका इंडियन प्लग है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है आपको कोई एक्स्ट्रा प्लग लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्लग जो है आपका सुको सॉकेट में या फिर किसी भी 16 एम्पेयर 6 एम्पेयर दोनों तरह की सॉकेट्स में आपका इजीली लग जाएगा। तो हम निकालते हैं क्रॉसओवर को बाहर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें आपको इनपुट्स मिल जाती हैं जो कि XLR इनपुट्स हैं, और आउटपुट्स जो हैं वो यहाँ पर टोटल 6 हैं जो कि XLR आउटपुट्स हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें जो कनेक्टर्स की क्वालिटी है, यहाँ पे कॉपर पिन यूज़ किया गया है, तो ये क्वालिटी जो है यहाँ पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी जो कनेक्टर्स की है वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम बात करें कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसको टू वे मोड में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मोड में, आपको फर्स्ट वाला जो स्विच है इसको अंदर को प्रेस रखना होगा, यानी कि जो पावर कॉर्ड की साइड से जो पहला स्विच है उसको आपको अंदर की तरफ प्रेस रखना, दूसरे स्विच को जो है आपने बाहर प्रेस रखना, तो ये आपका आ जाता है टू वे मोड। अगर आप इसको थ्री वे मोड रखना चाहते हैं तो आपने दोनों स्विच जो है वो बाहर की तरफ रखने हैं, तो ये आपका थ्री वे मोड आ जाता है। इसके बाद आ जाता है फोर वे मोड। अगर फोर वे मोड रखना चाहते हैं तो ये सेकंड स्विच को आप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये आपका फोर वे मोड आ जाएगा। तो फोर वे मोड में बेसिकली आपका यहाँ से बेस आ जाता है, यहाँ से आपका लो मिड आ जाता है, देन आपका यहाँ से हाई मिड आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे हाईज आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन की हुई हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप इसका मैनुअल बुक जो है उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब फाइनली इसका डेमो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो इसका किस तरह से आता है जब हम इसको किसी सॉन्ग पर टेस्ट करेंगे, और फाइनली लो का आउटपुट, मिड का आउटपुट और हाईज का आउटपुट किस तरह से आने वाला है, और उसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फाइनली आप इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने अपना एम्पलीफायर रेडी कर लिया है। यहाँ पर एक यूनिट जो लगा हुआ है ये DGFX है, इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आने वाला है। ये यूनिट जो है आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी,
आपको सिग्नल कनेक्टिविटी, यानी कि अगर आप कोई सोर्स, अगर कोई लीड वगैरह लगा के कुछ चलाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फाइनली आप इसमें माइक इनपुट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और बातें करेंगे इसकी जब वीडियो आएगी उसके अंदर, तो इसका नाम जो है वो है SLV DG FX। इसके बाद हम फाइनली वापस आ जाते हैं अपने क्रॉस ओवर पर। तो यहाँ पर मैं आपको क्रॉस ओवर के सबसे पहले कनेक्शन दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये जो मेरा मॉनिटर है, ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पे एम्पलीफायर के चैनल वन पे। यहाँ पर मैंने इनपुट जो दिया हुआ है वो मेरा क्रॉस ओवर से आ रहा है। अभी इसको हम मिड पे पहले चेक करेंगे, लो मिड पे, लो मिड का आउटपुट कैसा आता है। यहाँ पर ये दोनों इनपुट की वायर्स हैं जो ब्लैक कलर की हैं, ये मेरी आ रही हैं यहाँ पे जब मैं ब्लूटूथ यूज़ कर रहा हूँ अपना सोर्स से। तो यहाँ से जो आउटपुट आ रही हैं ये मेरी क्रॉस ओवर के इनपुट में जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना मोबाइल जो है कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ। एक बार वॉल्यूम ओपन करके चेक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ से मैं मिड से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो यहाँ से मिड से जो है आपका, जो हमने क्योंकि मिड में जो वॉल्यूम लगाया है, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि तीन आपकी आउटपुट्स हैं, तो यहाँ पे तीनों आउटपुट्स के लिए आपको वॉल्यूम मिल जाता है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में है जो पहली नॉब है आपकी, ये इनपुट किया जाता है कि इनपुट लेवल जो है आप कितना रखना चाहते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 0 dB इसको मेंटेन कीजिए। सेकेंड चैनल का भी जो है 0 dB मेंटेन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी स्लोप, आप फ्रीक्वेंसी स्लोप किस तरह का रखना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी स्लोप जो है आप जब चेक करेंगे, यानी कि जैसे मैंने अभी ये डेमो ऑन किया, अब क्योंकि ये लो मिड आउटपुट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे ये लो मिड आउटपुट है, तो इसको स्लोप को मैं जितना कम फ्रीक्वेंसी लेकर जाऊँगा उतना इसमें बेस जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। आपको जो है अपने स्पीकर के हिसाब से, यानी कि आप स्पीकर का आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है आपको उस हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ पर एक बार इसकी दोबारा से टेस्टिंग लेते हैं। आपने जो दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पर जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगा तो आपने देखना कि ये प्रॉपर जो नॉब है ये काम कर रही है। जैसे जैसे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा वैसे वैसे इसमें से बेस खत्म होता जाएगा, और जैसे जैसे मैं इसको नॉब को रिवर्स में घुमाऊँगा यानी कि कम की तरफ घुमाऊँगा वैसे वैसे इसमें बेस ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो एनालॉग मिक्सर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो ज़्यादातर जब आप पूरा इसको चेंज भी कर देते हैं तब कोई काम नहीं करते हैं, तो इसमें जो है ये प्रॉपर फंक्शनेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो, जब मैं इस नॉब को पूरा यहाँ पे घुमा रहा था तो इसमें खाली हाइज हाइज रह गई थी, मिड जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया था और बेस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, क्योंकि जो है मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी का जो कट है वो 950 पे कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है इसमें लोज खत्म हो गई थी, मिड रह गया था और थोड़ा सा हाइज आउटपुट रह रहा था, क्योंकि ये जो सेंटर वाला नॉब रहता है आपका, जो सेंटर अभी हमने जिससे आउटपुट लिया हुआ है, ये आपका मिड हाई का आउटपुट है। तो यहाँ से आप जो है इसका फ्रीक्वेंसी स्लोप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड फ्रीक्वेंसी स्लोप अगर आप उसको और शार्प करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखाता हूं। आप ये देखेंगे जब मैं इसको इधर कर रहा हूं तो ये खाली मिड हाई का जो है फ्रीक्वेंसी स्लोप चेंज हो रहा है। मैं एक बार ट्रैक वापस से ऑन कर देता हूं। अब आप यहां पे देखेंगे जब मैंने इस नॉब को इधर घुमाया तो इसमें से जो हाईज बिल्कुल बंद हो गई, खाली मिड मिड रह गई है। इसको हम चेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे खुद जज कर सकते हैं कि साउंड जो है वो आपको कहाँ पे अच्छी मिल रही है, कहाँ से आपको स्पीकर का जो लेवल है और जो आउटपुट है वो अच्छी मिल रही है, आप उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसीज की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फाइनली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके इनपुट्स आ जाते हैं, यहाँ पर ये तीन जो नॉब्स हैं आपके आउटपुट्स के आ जाते हैं, इसी तरह से दूसरे चैनल का,
यानी कि लेफ्ट का हो गया और ये राइट का हो गया, तो यहाँ पर भी आपको तीन आउटपुट्स मिल जाते हैं। ये स्विचेस जो हैं ये आपके लो कट के स्विच हैं, अगर आप इसमें लोस कट करना चाहते हैं 40 हर्ट्ज पे जो है यहाँ पे कट होगा। यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी इन्वर्ट का स्विच आ जाता है, यानी कि अगर आपके पोलैरिटी में अगर आपकी दिक्कत है, अगर आपके नेगेटिव पॉजिटिव उल्टे लग रहे हैं आपको किसी चीज़ के, या फिर आप करना चाहते हैं, सपोज़ आप कोई कार्डियड सब यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, अगर आप कार्डियड यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप पोलैरिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये स्विच को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्टिंग की तरफ और म्यूज़िक कर देते हैं प्ले। और आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये टेस्टिंग पसंद आई होगी। मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि जिस प्राइस में ये क्रॉसओवर है उस प्राइस में आपको क्वालिटी किसी और क्रॉसओवर में नहीं मिल सकती। इस क्रॉसओवर का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये है। 5,000 रुपीज़ में आपके पास एक 2-way, 3-way, 4-way तीनों मोड में आप अगर यूज़ करना चाहें तो एक एनालॉग क्रॉसओवर आप ले सकते हैं। टर्बो ऑडियो की तरफ से है ये, 234 इसका मॉडल नंबर है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। और आप जैसा कि जानते हैं हमारी डिलीवरी जो है वो ऑल ओवर इंडिया है, तो आपके पास ये कोरियर से आ जाएगा। कोरियर के जो डिलीवरी चार्जेस रहते हैं वो आपको पे करने होते हैं, उसमें 200 से 300 रुपए जो है आपके डिलीवरी चार्जेस आते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपको पहले अकाउंट में पे करनी होती है। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारे जो ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप इसकी और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस जैसा कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है slvsales.in, आप इस पर जा सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।